हेलो फ्रेंड, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल। आज हम बात करने जा रहे हैं नोटपैड के बारे में, जो कि हमारा पहला वीडियो था। उसमें हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नोटपैड कैसे काम करता है, नोटपैड होता क्या है, नोटपैड कब इवोल्यूशन हुआ। और आज हम आपको जो बताने जाएंगे कि नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में क्या अंतर होता है, नोटपैड में बाकी जो बचे हुए मेन्यूज थे उसका क्या यूज़ होता है। तो आप जानते हैं कि जो बेसिकली कैसे, पहले मैं ओपन कर देता हूँ कि नोटपैड क्या होता है। नोटपैड इज़ अ वेरी बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग ओके प्रोग्राम दैट कम इन द इंक्लूड एप्लीकेशन इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया हुआ था कि ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये हमारा आता है, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होता है। और ये नोटपैड इज अ ग्रेट फॉर राइटिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट दैट यू वॉन्ट टू सेव इन अ प्लेन टेक्स्ट ओके। कि अब नोटपैड में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि इसको एडवांस बनाते हैं, जो हमारे एडवांटेज हैं। कई लोग ट्रिक्स की बातें करते हैं कि नोटपैड में ये ट्रिक्स है, हम लॉग क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसमें आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो वो ओनली नोटपैड से आपको नहीं आएगा, क्योंकि नोटपैड एक वे है जो कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसमें आप टेक्स्ट करते हैं और जब वो एग्जीक्यूट होता है तो फिर वो आपका फंक्शन करता है। लाइक अगर आप जावास्क्रिप्ट का कर रहे हैं, वीबी स्क्रिप्ट का कर रहे हैं, या फिर आप बैच फाइल बना रहे हैं, ठीक है, लॉग फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आप कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के लिए ये नहीं है कि आपको नोटपैड आना चाहिए, बल्कि आपको कंसर्न प्रोग्रामिंग आने चाहिए। जब आपको कंसर्न प्रोग्रामिंग आएगा तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोडिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आपको एक प्रोफेशनली कोडिंग करना है तो आपको नोटपैड ना चुन के उसका आपको नोटपैड प्लस प्लस चुनना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी मैं ओपन किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नोटपैड प्लस प्लस है। नोटपैड प्लस प्लस बेसिकली ये एक तरह से बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्लैंक है, सेम टू सेम नोटपैड ऐसे ही है। इसमें भी कुछ मेन्यूज़ हैं, इसमें भी कुछ मेन्यूज़ हैं। इसके जो मेन्यू है एडवांस है एज द बेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये हमारा सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक माध्यम है जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको सेव करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर एक्सटेंशन देनी होती है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इसमें टाइप कर रहे हैं या कोडिंग क्रिएट कर रहे हैं। अब कोई भी कोडिंग क्रिएट करते हैं या फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम नोटपैड सीखते समय हम उस चीज़ों में एक्सपर्टीज हमारी आ गई है, ठीक है। तो एक्सपर्टीज लाने के लिए आपको कंसर्न जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखेंगे, देन आप उसको या तो नोटपैड में यूज करें या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस में। फॉर एग्जांपल अगर आपको HTML स्क्रिप्टिंग की कोडिंग करनी है तो आप यहाँ पे देखेंगे कैसे इसमें कोडिंग होती है, ठीक है। अगर मैं इसी को फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कॉपी किया और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया, देन यू विल रियलाइज, अगर आपको लगेगा कि इसकी जो कोडिंग है और इसकी कोडिंग है दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो कोडिंग है ये टोटली अपने आप फॉर्मेटेड होती जाती है एज पर टैग के हिसाब से, ठीक है, उनका कलर, उनकी मार्जिन, ठीक है, वो अपने आप इसमें, यहाँ तक कि आपको बहुत कुछ चीज़ों का हेल्प भी करता है कि वो कोडिंग जो आप कर रहे हो उसमें कहाँ पर मिस हो रहा है, क्योंकि इतनी एडवांस इसको बना दी गई है एज पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पर आपका ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है नोटपैड में, इसलिए लोग जो भी प्रोग्रामर होते हैं वो हमारे नोटपैड प्लस प्लस को चुनते हैं, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस उनको गाइड भी करता रहता है और उनको कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है प्रोग्रामिंग में। बट नोटपैड में आपको अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हेल्प नहीं करता है, फुल्ली मैनुअल बेस होता है। आप इसको करिए लिखिए, कहीं भी आपको एरर आ रही है तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सी लाइन में एरर है। बट आप इसमें देखेंगे तो इसमें जितने भी हैं सब एक नंबरिंग के थ्रू चलती है जितनी भी लाइंस, तो इसमें पता लग जाता है कि कौन से नंबर पे हमारा एरर आ रहा है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं और आसानी से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, बट नोटपैड में वो सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किलें होती हैं ओके। तो ये हमारा एक देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हमने
यहाँ पे टैग है डॉक टाइप्स का, उसके बाद हमने एक इनर यहाँ पे किया है कमेंट्स सेशन में, देन HTML टैग के थ्रा ये खुले हैं, हेड हुआ है, मेटा कीवर्ड यूज हुए हैं, उसके बाद आपका टाइटल है, देन लिंक है, उसके बाद CSS का यूज हुआ है यहाँ पे, देन स्टाइल सीड है, बॉडी है, उसके बाद फिर आप में इसमें ऐसे प्रोग्रामिंग करते हुए फॉर्म उन क्रिएट हुए हैं, एंड देन ये एक HTML पे स्क्रिप्टिंग कोडिंग हो गई है, ठीक है, जो कि एक पेज की क्रिएट की गई है। अगर आप PHP पे लिखना चाहें तो PHP पे ये इस टाइप से आपका ये प्रोग्रामिंग होता है, इसमें PHP का टैग हमने ओपन किया है यहाँ पे, डिफाइन किया हुआ है, देन हम स्टाइल सेट में CSS का भी यूज़ किए हुए हैं, एंड देन आपका ये पूरा प्रोग्रामिंग है, ठीक है। आप जो भी कमांड, जो भी इसमें ऑपरेशंस यूज करने चाहते हैं वो आप इसमें यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज एज पर प्रोग्रामिंग बेस है, बट ये हमारा नोटपैड वैसे आपको ट्रीट नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें आप चेक भी कर सकते हैं, इनकोडिंग को रन भी करा सकते हैं, डेमोस भी कर सकते हैं, बट आपका नोटपैड में नहीं है। नोटपैड अगर सिंपल हम लोग टेक्स्ट एडिटर में लेके चलते हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में क्या अंतर होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।